आज हम बनाते हैं नमक पारे। देखिए, हमने सबसे पहले इसके लिए लिया है चलनी में थोड़ा सा गेहूं का आटा और 1 कप मैदा और थोड़ा सा 1/4 कप गेहूं का आटा। उसको अच्छे से छान लिया। उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन। अच्छे से साफ़ करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर मोयन के लिए ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, छोटा 3 चम्मच जो आता है चाय का, वो 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर बिल्कुल गुठलियाँ ना पड़े, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदते जाएंगे या बाइंड करते जाएंगे उसको। देखिए, थोड़ा थोड़ा हमको आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा हमें उसे नरम नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें उसे गूंदते जाएंगे। अब ये हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। देखिए, बिल्कुल ये डव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी सी देर ढककर रख देंगे, 15 से 20 मिनट। आइए चलिए, जब तक हम रखते हैं कुकिंग ऑयल। और हमने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। और ये देखिए, ये 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट एक जैसा हो चुका है। अब हम इसके 2 टुकड़ों में हिस्से कर लेंगे और हम उसकी गोल चक्री बना लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इसी घेरी बना लेंगे। और उसको थोड़ा सा मैदे की मदद से चकले पर बेलेंगे। ये देखिए, हमने बेल लिया है। अगर आपका लोया छोटा है और वो चकले पर बिल्कुल बराबर आ गया है, उसकी मोटाई ज़्यादा पतला नहीं हुआ है, वो ज़्यादा मोटा नहीं है, तो रहने देंगे। पर अगर हमारा थोड़ा सा उसको और बढ़ाना है, हमें पतला करना है, तो हम थाली को उल्टा कर उस पर भी बेल सकते हैं। देखिए, अब हम इसको नाइफ़ की हेल्प से बारीक बारीक पतली पतली लाइन खींचेंगे कट करने के लिए। ये देखिए, एक तरफ से तो हमने उसको पतला, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और दूसरी साइड से जब हम काटेंगे, या तो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में हम इसे काटेंगे। देखिए किस तरह से हमने काटा है, ताकि हमारे नमक पारे थोड़े लंबे लंबे रहें स्ट्रिक्चर से, और बच्चों को खाने में भी मज़ा आए और हमें भी। अब देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं। हम इसे प्लेट के ऊपर से नाइफ़ की हेल्प से कैसे, देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, इस तरह से निकालेंगे और अब हम उसको उस ऑयल के अंदर डाल देंगे। पर अगर आप डालें तो ध्यान रखें, धीमे से डालें और मीडियम आंच पर हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से गोल्डन, लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर रहे हैं। और हमें उसमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है, नहीं तो हमारा जो वो है वो एक तरफ से तलेगा, एक तरफ से फ्राई नहीं होगा। अगर आप उसको चलाते रहेंगे तो वो चारों तरफ से एक जैसा सीखेगा। देखिए, हमने थाली में निकाल लिया है। अब इसे हमने ठंडे होने के लिए रखा है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ, चाय के साथ, एज ए स्नैक्स बच्चों के लंच बॉक्स में किसी भी तरह रख सकते हैं। कोई मेहमान आया है तो उसके सामने भी नाश्ते में रख सकते हैं। थैंक यू।